राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को महाराष्ट्र में एंट्री की। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। इसके अलावा दो बड़ी रैलियों के जरिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूकेगी। राहुल गांधी 10 नवंबर को नांदेड़ और 18 नवंबर को बुलढाणा के शेगांव में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले यात्रा के 61वें दिन भारत जोड़ो यात्रा सोमवार रात करीब 9 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में एंट्री की। तेलंगाना महाराष्ट्र के बॉर्डर पर तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को राष्ट्रीय ध्वज दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने देगलूर स्थित कला मंदिर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास यात्रा का स्वागत किया। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस की प्रतीक, देश की एकता की ये मशालें आने वाले भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाएंगी, नमस्कार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हो रहे भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल होंगे। 8 नवंबर को शरद पवार यात्रा से जुड़ेंगे। वही मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आदित्य ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के यात्रा में शामिल होने पर संशय बना हुआ है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने यात्रा को सफल बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। पार्टी ने प्रदेश के सभी सेक्टर से जुड़े लोगों को यात्रा में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुड़ने की संभावना है। गौरतलब है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता, जाति धर्म भाषा नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे अपराध और केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।